कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर फुलवारी शरीफ में भारत बंद का असर जबरदस्त दिखा। इस बंद का आह्वान का नेतृत्व भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास, राजद नेता सलाहुद्दीन मंसूरी, कौसर खान, फारूक आजम, भाकपा माले नेता साधु शरण एवं महागठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित थे। सुबह 10 बजे से ही शहीद भगत सिंह चौक को जाम किया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष रफीकुर रहमान ने विधायक सहित उनके समर्थकों को 2 घंटा के लिए हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। महंगाई पर रोक न लगावे, जो सरकार निकम्मी है, इंकलाब जिंदाबाद, जो सरकार निकम्मी है, महंगाई पर रोक लगाओ, कृषि बिल वापस लो, किसान आंदोलन बंद करो, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, महंगाई पर रोक लगाओ। रोड पे उतरे 3 कृषि बिल जो पूरे देश के लिए, पूरे किसान मजदूरों के लिए घातक है, कर्मचारियों के लिए घातक है, महिलाओं के लिए घातक है। इस बिल के वापसी के सवाल पर पूरा आज भारत बंद है। देश के 246 संगठन से लेकर पूरा बिहार के तमाम महागठबंधन आज रोड पर है, पूरा भारत बंद है। इसी सवाल पर हम आज फुलवाड़ी के भगत सिंह चौक पर पूरा उतरे हुए हैं। पूरा भारत के समर्थन में किसानों के बिल के खिलाफ जो लाई गई है, जो बर्बाद करने वाला जो बिल है, किसानों को कमर तोड़ने वाला जो महंगाई लादा गया बिल है, इस बिल के खिलाफ, इस बिल के वापसी के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं, रोड पर है, भारत बंद के समर्थन में। एक चीज देखा जा रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आपके साथ किसान रोड पे नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 10 महीना से चल रहा है CPIML, तो जो किसान संगठन है प्रमुख पार्टनर है इसमें, 5 किसान संगठन से लेकर के 40 किसान संगठन और 500 से ज्यादा छोटे बड़े किसान संगठन आंदोलन पर है। भाकपा माले उसमें प्रमुख भूमिका में, प्रमुख अंग की पार्टी के तौर पर है और व्यापक तौर पर बंद है, 10 महीना से बंद है। ये पंजाब से आंदोलन, हरियाणा से आंदोलन जो उठी है, पूरे देश भर में ये आंदोलन एक राजनीतिक सवाल बन गया है। यह सवाल बन गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में रहेंगे, किसानों का, मजदूरों का भला नहीं हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी को देश के गति बढ़ाने का अधिकार नहीं है। एक चीज होना चाहिए था कि नहीं, कि लोकल किसान भी आपके साथ रोड पे आते हैं? सभी लोग, पूरे बिहार के तमाम लोग हैं, पूरे बिहार के किसान, फुलवाड़ी शरीफ के किसान जो है, हम लोग किसान मजदूर के ही बेटे तो हैं, अलग थोड़े हैं। पार्टी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं, दुकानदार के बेटे हैं, कर्मचारी के बेटे हैं। समग्रता में तमाम किसान लोगों के साथ हैं, हम लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब लोग हैं, किसान मजदूर हैं। बंद था भारत बंद का, 3 कृषि बिल वापसी की मांग है, अब एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है। आम आवाम में एक व्यापक चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के रहते ये 3 कृषि बिल वापस नहीं, बल्कि मेरा तो कहना है कि जब से पटना और दिल्ली की सरकार बनी, उसमें सबसे पहले दलितों पर हमला हुआ है, अब मुस्लिम को भी टारगेट किया गया,
अभी परसों दिन आसाम में जो घटना हुई है बहुत ही लोमहर्षक घटना हुई है, जितनी निंदा किया जाए कम होगा। बल्कि बिहार का जो अररिया जिला पिछले समय फारबिसगंज में 2011 में अशोक अग्रवाल जो सुशील मोदी बिहार के विपक्ष के नेता थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनके रिश्तेदार ने कब्रगाह के मैदान को दखल कब्जा कर लिया और तमाम आवाज उठाने के बाद भी वो वहां से हटाया नहीं, बल्कि तीन लोगों का कत्लेआम किया और उसके लाश पर कुदकुर के फोर्स वाले जो है छाती पर लाती दे करके कूदक रहे। ठीक 11 की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, वो पुनरावृत्ति आसाम में हुआ है जहां सीएम के भाई ने वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर मुसलमानों को जो आशियाना था, जो प्रॉपर्टी था उजाड़ा है, इसका विरोध किया तो तीन नौजवानों की हत्या कर दी गई। और ठीक है अररिया में जिस तरह से कूद करके वहां पर फोर्स वाले जो मार रहे थे मरा हुआ आदमी को, यहां पर बाजाब्ता पीछे से गोली मारी गई है और फोटोग्राफर जो है फोटो खींच के दिखा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करोगे तुम्हारा अंजाम यही हो। तो अब तो सवाल बन गया, सिर्फ तिरकेसी बिल के सवाल नहीं है, अब ये आम आवाम का सवाल बन गया है कि नरेंद्र मोदी रहेगा देश में कृषि कानून जो गरीबों को मारने वाला है, मजदूरों को मारने वाला है और महंगाई बढ़ाने वाला है, इसको बगैर वापसी बगैर हटाए देश में अमन चैन और न तो अल्पसंख्यक सोचित